पहली कार को 10% लाभ पर बेचा, 10% रिटर्न में 1 कोटि, पहली कार को 10 प्रॉफिट बेचा, यानी कि पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची, पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची, दो कार समान कीमत पर बेची है सेम सेम प्राइस पर, यानी अगर पहली कार 11 में बेची है तो दूसरी कार को भी हमने 11 में ही बेचा, अगर पहली कार 11 में बेची तो दूसरी कार भी 11 में ही बेचा, बोलोगे हां सर। एक्स को कुल लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन 12% का लॉस हुआ, 12% रिटर्न में लेके 3/25, एक्स को कुल लेनदेन में कितना लॉस हुआ, कुल लेनदेन एक्स को 12% का, 12% रिटर्न में लेके 3/25, यानी अगर टोटल समान 25 का है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ, तो समान बिका कितना 22 में, 25 का समान 22 में बिका, टोटल समान बिका कितना मेरे दोस्तों 11 प्लस 11 22 बिका, टोटल सेल प्राइस 11 प्लस 11 22, तो कॉस्ट प्राइस कितना 25 होना चाहिए, अगर 11 11 22 है तो 10 और इसका कितना आएगा 15, यानी कि 25 हो गया, तो पहली जो दूसरी कार का कॉस्ट प्राइस 15 हुआ, 10 और 15 25, 25 का समान 11 प्लस 11 22 बिका गया, इसका मतलब 25 का समान 22 बिका, ओवरऑल क्या हो गया 12% का लॉस हुआ, ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर दूसरी कार 15 की, दूसरी कार 15 की थी और 11 में थी, 15 का समान 11 में कितना लॉस हुआ मेरे दोस्तों 4% का लॉस, 15 का 4% 15 और 4% कितना होता है मेरे दोस्तों 26.6% होता है, आपको जानता है 1/15 6 से 2/3%, यानी 4/15 होता है 26 से 2/3%, जो कि अप्रॉक्स बी ऑप्शन है, दूसरी कार पे 26.6% का लॉस हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, बैंकिंग के पेपर का सवाल है, बैंकिंग के पेपर का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, लास्ट सेम प्राइस पर फ्री टैक्स समाप्त होता है, एक और क्वेश्चन है मेरे भाई चलेगा, करके बताएंगे सवाल नंबर आपके सामने 25, करो 25 क्वेश्चन का आंसर भाई। एक आदमी तीन वस्तुएं एक्स वाई और जेड प्रत्येक को 2500 रुपए बेचता है, एक आदमी तीन वस्तुओं को बेचता है एक्स वाई और जेड को, और तीनों ही वस्तुओं में से प्रत्येक को 2500 रुपए बेचता है, एक आदमी तीन वस्तुओं में से हर को बेचता है एक्स को वाई और जेड को 2500 रुपए, एक्स को बेचता है 30% के लॉस पर, वाई को बेचता है 36.6% के प्रॉफिट पर, पूरे लेनदेन में से ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, आपसे पूछा जेड का पीएमएल क्या करें, चुपचाप पढ़ते चुपचाप, यह सीपी और एसपी पीएमएल, यह पीएमएल ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो एक आदमी तीन वस्तुओं को, तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 2500 रुपए बेचा, यानी तीन वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, इस सवाल के कहने का मतलब एक आदमी तीन वस्तुओं में से हर को मेरे दोस्तों 2500 रुपए बेचा, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है, आर्टिकल एक्सपेक्टेड 30% का लॉस हुआ, 30% रिटर्न में लॉस हुआ, 30% मतलब 10% मतलब 10 रुपए का सामान है तो 3 का लॉस हुआ, तो समान बिका कितने में साथ 10 का समान साथ, वाई पे 36.6% का प्रॉफिट हुआ, 36.6% रिटर्न में लॉस हुआ, 9.9% का चार बिका, यानी 11 का सामान है तो 4 का प्रॉफिट हुआ, 11 का समान बिका 15 में, आपसे बोला है मेरे प्यारे भाइयों, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन ना तो कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, तो आर्टिकल जेड का सी बिका के लिए तीनों आर्टिकल में से प्रत्येक को 2500 रुपए बेचा, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, इसका 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 तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए भाई, इसका तो खैर पता, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 15 गलत बात है, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना, यहां पे सीमा पड़ी पूरी को 7 15 का सीमा ना 105 88 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